आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। एक तरफ भारत बड़े पैमाने पर यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी का आयात करता है, तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार इटली को सूरजमुखी एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। इटली सरकार ने हरियाणा से सूरजमुखी खरीदने का इच्छा जाहिर की है। हरियाणा में उत्पादित सूरजमुखी की खरीदारी की संभावनाओं के संदर्भ में इटली के उद्योग परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के कृषि अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक की। उधर इस बात की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय संघ खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के हरियाणा सरकार की इस कोशिश पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वहीं महासंघ ने केंद्र सरकार से तिलहन फसलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी वृद्धि करने की मांग की है। साथ ही इटली के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में लगभग 20,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी का उत्पादन किया जा रहा है। यहां पैदा हुई सूरजमुखी खरीद की संभावनाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का जिक्र करते हुए इटली के प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ के खरीद की इच्छा यहाँ पर व्यक्त की है। साथ ही सूरजमुखी प्रमुख तिलहन फसल है। इस मौके पर इटली उद्योग परिसंघ के सलाहकार ने भी इस पे इस चीज पे मौजूद रहे, उन्होंने बात की। साथ ही बता दें, अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि हम सूरजमुखी के तेल के लिए पूरी तरह यूक्रेन और रूस पर आश्रित हैं। उन दोनों देशों में युद्ध की वजह से हमारे यहाँ सूरजमुखी तेल का आयात ना के बराबर रह गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा इटली को सूरजमुखी एक्सपोर्ट के लिए बात करना ठीक नहीं लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों में सूरजमुखी नहीं है और डिमांड है, वो तो कहीं ना कहीं से खरीदेंगे ही, लेकिन ये तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस चीज़ की कमी है और उसके एक्सपोर्ट के लिए हम क्या बात कर सकते हैं। साथ ही भारत में सूरजमुखी का उत्पादन बहुत कम होता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2007-08 में पूरे देश में 14.63 लाख टन सूरजमुखी का उत्पादन हुआ था। साथ ही लेकिन धीरे धीरे ये कम होता चला भी गया। अब 2021-22 में सरकार ने 2.66 लाख टन मिलिट्रिक टन उत्पादन का अनुमान भी लगाया है। ऐसे में हम इम्पोर्ट करते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हमारे यहाँ इसका आयात काफ़ी कम हो गया है। बता दें, इटली की विभिन्न सूरजमुखी किस्मों की हरियाणा में अनुबंधित कृषि किए जाने की संभावनाओं पर भी इटली के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ के कृषि अधिकारियों से बातचीत की है। बता दें, नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई बैठक में हरियाणा के कृषि महानिदेशक, इटली के आर्थिक व नवीनीकरण विभाग के फर्स्ट काउंसलर एवं इटली दूतावास के व्यापार संवर्धन निदेशक और वे भारत बांग्लादेश श्रीलंका के कोऑर्डिनेटर इस बैठक में शामिल रहे। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।